नमस्कार, मैं रुचि, आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स। कानपुर के पनकी में पश्चिम की स्वात टीम और थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जी हां, पुलिस ने लाखों की ठगी करने वाले शातिरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। दरअसल पूरा मामला शताब्दी नगर के केडीए ड्रीम्स का है, जहां किराए पर रहने आए एक परिवार ने व्यापार का झांसा देकर पड़ोसी से 35 लाख की ठगी कर ली और फरार हो गए। वहीं पीड़ित ने मामले की शिकायत पनकी पुलिस से की, जिस पर कार्रवाई करते हुए डीसीपी पश्चिम की स्वाट टीम ने सर्विलांस टीम की मदद से शातिरों को गिरफ्तार कर लिया। एडीसीपी पश्चिम ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि पकड़े गए शातिर मेलजोल बढ़ाकर ठगी की वारदात को अंजाम देते थे और आसपास के जनपदों में भी इनके द्वारा लाखों की ठगी के कई मामले सामने आए हैं, जिसकी जांच कर कार्रवाई की जाएगी। और इस मामले में एडीसीपी ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं। वेस्ट जोन की स्वाट टीम और थाना पनकी के द्वारा आज एक ठग परिवार को गिरफ्तार किया गया है। इस परिवार के विरुद्ध थाना पनकी पर एक अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें इस परिवार के ऊपर आरोप था कि ये मेलजोल बढ़ा करके व्यापार करने पर और व्यापार में काफी ज्यादा मुनाफा कमाने का प्रलोभन दे करके ये ठगी करते थे। इसी तरीके से इन्होंने एक परिवार से काफी बड़ी धनराशि इन्होंने अपने बैंक अपने खाते में ट्रांसफर करा लिया था। आज इस परिवार को जो फरार था उसे गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया है। जानकारी में भी आया है कि इन्होंने अन्य जनपदों में भी इस प्रकार की ठगी की है। इनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जन संदेश टाइम्स।